वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सभी के लिए चिकन का गोश्त। तो ये मैंने 100 किलो चिकन ले लिया है और इसे धो लिया है अच्छे से। और इसमें डाल रही हूँ मैं एक बड़ा कांदा, टमाटर और कोथमीर। और बघार में मैंने लिया है जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता। और गर्म मसाले में मैंने लिया है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर और चिकन मसाला पाउडर। और ये मैंने हरी चटनी ले लिया है, अदरक, लहसुन, कोथमीर और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो चलिए तैयार करते हैं तहरी के लिए। पैन मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तीन पड़ी तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बघार डालेंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से कांदे के साथ और मिर्ची, हरी मिर्ची के पेस्ट के साथ तल लिया है हरे मसाले के साथ। अब मैं इसमें गरम मसाला जो मैंने निकाला था उसे शामिल कर दूंगी और इसे चलाकर अच्छे से ढक दूंगी। गोश्त गलने के लिए मैं 1 कप पानी डाल दूंगी अच्छे से और इसे पकने दूंगी। चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं इसे उतार लूंगी इसे अच्छे से भून लें मसाले के साथ ही और फिर इसे उतार लेंगे। आप भी जरूर ट्राई करें, खाने में भी टेस्टी लगता है। हर जो चीज हम दिल से बनाए, अच्छे से बनाए, वो टेस्टी बनती ही है। रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सहरी में खाने के लिए। अब खुशबू भी इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी देखो अच्छा दिख रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।